the expression 4x squared plus 12x plus 9 and 4x squared minus 9 share a common binomial factor. Achha. Ab jab hum inko factorize karenge, to in dono ka ek factor jo hai, wo common hai. What binomial factor do they share? तो अब हमें ये बताना है कि वो binomial factor कौन सा है. तो सिंपल सी चीज़ है, हम दोनों को पहले यहाँ पे factorize कर लेते हैं, फिर जो हमको factor वहाँ पे common दिखेगा वो हम निकाल लेंगे. तो चलिए एक एक करके करते हैं. जैसे अगर मैं इस पहले expression की यहाँ पे बात करूँ, 4x square plus 12x plus 9, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे कुछ common दिख नहीं रहा है जो कि मैं बाहर कर सकूँ तीनों टर्म में से, तो वो मैं नहीं कर सकता. उसके बाद अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो जो इसका पहला टर्म है वो है मेरा कुछ 2x का होल स्क्वायर, और जो इसका ये वाला लास्ट कांस्टेंट टर्म है ये है 3 का होल स्क्वायर. हालांकि आप ये भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव 2x का होल स्क्वायर और ये नेगेटिव 3 का होल स्क्वायर है, लेकिन एक ही बात है क्योंकि ये जो यहाँ पे इसका ये बीच वाला टर्म है वो पॉजिटिव है, और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसको इस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, और वो फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर ये इस फॉर्मेट में हुआ तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कुछ जादू वादू नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए a प्लस बी को a प्लस बी से, तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा. तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो उसको इस फॉर्म में होना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी होगा तब या तो a और b दोनों पॉजिटिव हो या तो a और b दोनों नेगेटिव हो. तो अगर हम पॉजिटिव वाला केस ले लें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a है हमारा यहाँ पे 2x और b है हमारा यहाँ पे 3. 2 टाइम्स 2x टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12, तो ये हो जाएगा 12x, बिल्कुल सही है. और मान लीजिए अगर हम इस केस की भी बात करें, जो कि एक्चुअली उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसे कर लें या फिर दोनों को नेगेटिव ले लें, बात हमारा सेम ही है, हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो सेम ही आएंगे. यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स नेगेटिव 2x टाइम्स नेगेटिव 3, अभी भी नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये 12x के बराबर हो जाएगा. तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमें यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a है 2x और b है 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. और अगर हम इस केस की भी बात कर लें तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2x प्लस ऑफ माइनस 3, यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब ये दोनों तो एक ही चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव 1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो फाइनली हमारे पास इधर से भी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही आ गया. तो ये तो हुआ इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म. अब आते हैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे, 4x स्क्वायर माइनस 9. अब यहाँ तो सिर्फ दो ही टर्म हैं और उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला फंडा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका ये पहला टर्म है वो 2x का होल स्क्वायर है और जो इसका ये दूसरा टर्म है ये 3 का होल स्क्वायर है. या फिर अगर आप थोड़ा और दिमाग लगा दें तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये तो मेरा नेगेटिव 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है ये तो मेरा नेगेटिव 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में ये नेगेटिव साइन तो है, ये दोनों सब्ट्रैक्टेड हैं, यहाँ पे ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्टेड हैं. तो अब हमें पता है कि अगर कोई ऐसे फॉर्म में होता है, यानी कि कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी के बराबर. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाता है. अब ये दोनों यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि पहले केस में a 2x है और b 3 है, दूसरे केस में a नेगेटिव 2x है और b नेगेटिव 3 है. लेकिन आप कुछ भी उठा ले, हमारा फैक्टर सेम ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहले केस की बात करूँ, इस पहले केस की बात करूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली इसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3. और चलिए अगर हम दूसरे केस की भी यहाँ पे बात कर लें, तो इस केस में a है नेगेटिव 2x और b है नेगेटिव 3, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, यानी कि नेगेटिव 2x प्लस ऑफ नेगेटिव 3 ये हो जाएगा, और a माइनस बी यानी कि नेगेटिव 2x माइनस ऑफ माइनस 3. अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव 2x प्लस ऑफ माइनस 3 यानी कि माइनस 3,
और नेगेटिव 2x माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि प्लस 3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ से तो मैं ये माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, तो माइनस 1 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3। यहाँ से भी अगर मैं एक माइनस बाहर कर लूँ, नेगेटिव 1 में बाहर कर लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा माइनस 3, क्योंकि नेगेटिव 1 टाइम्स 2x होता है नेगेटिव 2x और नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 3 होता है पॉजिटिव 3। तो ये मेरा ऐसा आ गया। और फाइनली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जाऊँ तो नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 1 हो गया पॉजिटिव 1, तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, यहाँ पे फिर से हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 टाइम्स 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 टाइम्स 2x माइनस 3। इसलिए हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तब हम उतना दिमाग यहाँ पे खर्चा नहीं करते कि हम पहले पॉजिटिव केस लिए फिर नेगेटिव केस लिए फिर देखें कि क्या आ रहा है। जैसा कि हमने देखा, आप ये केस ले लें या फिर ये केस ले लें, हमारे फैक्टर्स सेम ही आ रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको मान लिया 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए। तो अब हमारा काम था इनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढना। पहला केस में इसके दोनों फैक्टर्स ये हैं 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, दूसरे केस में इसके दो फैक्टर्स हैं 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2x माइनस 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2x माइनस 3 है नहीं यहाँ पे, बचा क्या 2x प्लस 3 जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका दोनों एक्सप्रेशन का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा 2x प्लस 3 जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था।